आपको लगता है इतना बड़ा हो रहा होगा? के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्कियां देश के लिए अर्पित, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, मीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस बल नारी को सहसम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को माँ, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। सभी अतिथि आगे की तरफ चले। गढ़ का दृश्य देखा, उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की। उस मां का नाम पन्ना भाई था। पन्ना भाई जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बंदीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना धाई को लग गई। कुछ समय तक पन्ना धाई चिंतित हुई। तभी पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना धाई से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्ना धाई ने चंदन की तरफ इशारा किया।
बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एक बसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये सरियन बता रहे हैं।